नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। उसके लिए हमने तरह तरह की सब्जियां ले रखी हैं, थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, थोड़े से नगेट्स लिए हैं, जस्ट अ हैंडफुल एंड राइस। राइस हमारे 2 कप्स हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं और साथ साथ में आपको मैं बताती भी जाऊंगी। हमने तेल लिया है 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच, और उसमें मैं खड़े मसाले डालने जा रही हूँ। थोड़ी सी लवंग है, काली मिरी है, छोटी इलायची है और जीरा है। एक एक करके डालते जाएंगे इसमें। सब्जियों में मैंने गाजर ले रखी है, छोटे टुकड़े कर रखे हैं। ये 2 मीडियम साइज की गाजर है। इसे सबसे पहले हम पकाएंगे और इसी के साथ 1/2 कप मटर है। गाजर और मटर दोनों को हम साथ में कुक कर लेंगे क्योंकि इन दोनों को थोड़ा समय लगता है। इसके लिए हमने फ्लेम मीडियम पे रखा है और कम से कम 3-4 मिनट हमें इसे पकाना है। हम इसे ढक सकते हैं। जब तक गाजर मटर पकते हैं, हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं। इसे हमने डीप फ्राई करना है। इसे साथ ही साथ एक अलग बर्तन में हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम है, इसमें हम प्याज जो हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं और लंबे में काटे हैं, इसे हम फ्राई कर लेंगे। तब तक हम चेक कर लेंगे। गाजर और मटर जो हैं, आप देख सकते हैं आधे कुक हो चुके हैं। अब इस स्टेज में हमें डालना है, हमने कैप्सिकम ली है, ये भी 2 छोटी है, इसे हम डाल देंगे। ये बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसे ज्यादा कुक नहीं करना है। सिमिलरली कॉलीफ्लावर, वो भी हमने 2-3 फूल लिए हैं, उसे और छोटा काटा हुआ है और उसे भी हम डाल देंगे। इसे भी 1-2 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ठीक है। अब बाकी की जो सब्जियां कुक हो जाएंगी वो चावल के साथ। अगर इसे हम पूरा कुक कर लेंगे तो चावल के साथ पूरा मैश हो जाएंगे। तो इस स्टेज में हम अब मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 2 चम्मच नमक के, क्योंकि हमारे राइस 2 चम्मच हैं, सॉरी 2 कप हैं, और ये है पुलाव मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह में गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच डाले हैं रफली। अब यहाँ पर हमने नगेट्स जो थोड़े से लिए हैं वो डालेंगे। पानी स्क्वीज आउट कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है पर पुलाव में बहुत अच्छे दिखेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए रख रही हूं बस। अब हम डाल सकते हैं राइस जो हमने सोक किए हुए थे। बहुत ज्यादा देर तक नहीं किया है, जब हमने पकाना शुरू किया था तो जस्ट पहले उससे किए थे। सो यू कैन से 15 मिनट्स रख ली, इतना सोक किया था हमने। इसे हाई फ्लेम पे रखिए इनिशियली, क्योंकि एक बॉइल जब आ जाएगा तब हम इसे स्लो करेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए उससे पहले। इन द मीन टाइम हम प्याज भी चेक कर लेते हैं। यस, हो रहा है ब्राउन, लेकिन हमें और डार्क करना है इसे। एक उबला आ गया है, हम गैस पूरा स्लो कर देंगे। और इसे अब हमने ढक देना है पूरी तरह से और 3-4 मिनट के बाद चेक करेंगे।
यहाँ पर हमारा जो ऑनियन है पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से बन रहा है, पानी थोड़ा सा है अभी भी। इसे और 3-4 मिनट लग जाएंगे। चेक कर लेते हैं, यस पानी पूरा ही सूख गया है। आप देख सकते हैं सब्जियां बहुत अच्छे से बन गई हैं और कलर भी बहुत सुंदर है। चलिए इसे हम परोसते हैं। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। और हमने जो प्याज फ्राई किया है वो ऊपर से सर्विंग में डालेंगे। लीजिए हमारा वेजिटेबल पुलाव तैयार है। अब इस पर मैं जो हमने ऑनियन फ्राई किया था थोड़ा सा, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए हमारा वेजिटेबल पुलाव विद दही ले लीजिए, पापड़ ले लीजिए या रायता, जो आपको पसंद हो। आप चाहिए तो एक ग्रेवी वाली आइटम भी ले सकते हैं कोई डिश, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल, फुल ऑफ न्यूट्रिशन सारी सब्जियां पड़ी हैं, बच्चे बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही कलरफुल है ये सिंपल वेजिटेबल पुलाव। उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच।